नमस्कार दोस्तों, इन्वेस्ट करे पर आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे अंडे वाला कैफे फ्रेंचाइजी के बारे में और जानेंगे कि आप अंडे वाला कंपनी की कैफे की फ्रेंचाइजी कैसे ले सकते हैं, इसके लिए आपके पास कितने इन्वेस्टमेंट होने चाहिए और कितना स्पेस होना चाहिए, यानी आपके पास कितनी जगह होनी चाहिए और आपको इसके लिए किस किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होगी। और दोस्तों, साथ ही जानेंगे कि यदि आप अंडे वाला कंपनी की फ्रेंचाइजी लेना चाहते हैं तो इसके लिए आपको कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होगी, या फिर कंपनी द्वारा इसके अंदर आपको कितना परसेंट तक प्रॉफिट मार्जिन या फिर कमीशन दिया जाएगा, यह सब बात जानेंगे दोस्तों वीडियो के अंदर। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करेंगे। और दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे अंडे वाला कंपनी के बारे में। तो दोस्तों, अंडे वाला एक इंडियन रेस्टोरेंट या फिर कैफ़े कंपनी है जो एग स्पेशलिस्ट कैफ़े के रूप में जानी जाती है, क्योंकि दोस्तों ये कंपनी अपने कस्टमर को बहुत सी प्रकार की एग डिशेज सर्व करती है जो कस्टमर को बहुत ज़्यादा पसंद आती है। और कंपनी के पास आज अच्छा खासा कस्टमर बेस है। दोस्तों, कंपनी 2017 के अंदर शुरू की गई थी और आज इंडिया के अंदर अच्छे लेवल पर बिजनेस कर रही है। दोस्तों, इंडिया के अंदर इस कंपनी के अच्छे खासे अब आउटलेट्स ओपन हो चुके हैं। धीरे धीरे कंपनी अपना नेटवर्क बढ़ा रही है और अपने नए नए आउटलेट्स ओपन कर रही है। तो दोस्तों, यदि कोई भी पर्सन यदि अपना एक अच्छा सा कैफ़े या फिर रेस्टोरेंट ओपन करना चाहता है तो वह अंडे वाला कंपनी की फ्रेंचाइजी ले सकता है और अच्छी खासी कमाई इस बिज़नेस के अंदर कर सकता है। सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों, यदि आप अंडे वाला कंपनी की फ्रेंचाइजी लेना चाहते हैं तो इसके लिए आपको किस किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होगी। तो दोस्तों, यदि रिक्वायरमेंट की बात करें तो आपके पास अच्छा खासा स्पेस होना चाहिए कंपनी की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, और आपके पास प्रॉपर इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए जितनी कंपनी आपसे रिक्वायरमेंट करेगी, और आपके पास अपने सभी डॉक्यूमेंट होने चाहिए। आपके पास कम से कम 5 से 10 वर्कर भी होने चाहिए और आपके पास अपने आउटलेट्स का GST नंबर या फिर रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए। इन सभी चीज़ों के साथ दोस्तों, आप अंडे वाला कंपनी की फ्रेंचाइजी ले सकते हैं और अपना एक अच्छा खासा बिजनेस एस्टैब्लिश कर सकते हैं। अब बात करेंगे दोस्तों, जी आप अंडे वाला कंपनी की फ्रेंचाइजी लेना चाहते हैं तो इसके लिए आपको कितनी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। तो दोस्तों, जी इन्वेस्टमेंट की बात करें तो यदि आपके पास खुद की जगह है तो आपको कम इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, और यदि आप एक जगह किराए पर लेंगे यानी बिल्डिंग किराए पर लेंगे या फिर खरीदेंगे तो आपको इसके अंदर थोड़ी सी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। तो दोस्तों, यदि आपके पास खुद की जगह है यानी खुद की अच्छी सी एक बिल्डिंग है, उसके बाद आपको इंटीरियर सेट करवाना है, कंपनी को सिक्योरिटी फीस देनी है, आपको इक्विपमेंट्स भी खरीदने हैं, वर्कर भी हायर करने हैं, अपने कैफ़े के अंदर अच्छी खासी बिजली की सुविधा भी अवेलेबल करानी है, सभी चीज़ों को मिलाकर दोस्तों कंपनी आपसे लगभग 10 से 15 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट करवाएगी। इतनी इन्वेस्टमेंट के अंदर दोस्तों आप 200 से 300 स्क्वायर फीट के अंदर एक अच्छा सा कैफ़े या फिर रेस्टोरेंट ओपन कर सकते हैं। इतनी इन्वेस्टमेंट के अंदर दोस्तों आपकी सिक्योरिटी फीस भी आ जाएगी, कंपनी आपको सभी डिज़ाइन भी करके देगी और आपका अच्छा सा आउटलेट्स ओपन करके दे देगी। फिर दोस्तों आपको अपना आउटलेट्स ऑपरेट करना है, लेकिन दोस्तों आपको बता दें, यदि आप बड़ा रेस्टोरेंट ओपन करना चाहते हैं कंपनी का तो आपको इससे बड़ी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। वो दोस्तों आपको कंपनी से पता चलेगी कि यदि आप 300 स्क्वायर फीट से भी बड़ा रेस्टोरेंट या फिर कैफ़े कंपनी का ओपन करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कितनी इन्वेस्टमेंट कंपनी द्वारा करवाई जाती है। प्रॉपर इन्फॉर्मेशन दोस्तों आपको कंपनी के टोल फ्री नंबर से मिल जाएगी, कंपनी के टोल फ्री नंबर से कॉन्टैक्ट करके वहाँ से प्रॉपर इन्फॉर्मेशन आप ले सकते हैं। अब बात करें दोस्तों, यदि आप अंडे वाला कंपनी की फ्रेंचाइजी लेना चाहते हैं तो आपको कितने स्पेस की रिक्वायरमेंट होती है। तो दोस्तों, स्पेस की बात करें तो यदि आप कंपनी का एक नॉर्मल सा रेस्टोरेंट या फिर कैफ़े ओपन करना चाहते हैं तो आप 200 से 300 स्क्वायर फीट के अंदर कंपनी का एक कैफ़े स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, कंपनी इससे बड़े भी अपने कैफ़े या फिर रेस्टोरेंट ओपन करवाती है, यदि आप उनकी फ्रेंचाइजी लेते हैं तो आपको ज़्यादा स्पेस की रिक्वायरमेंट होगी। अब बात करें दोस्तों, यदि आप अंडे वाला कंपनी की फ्रेंचाइजी लेना चाहते हैं तो इसके लिए आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट होने चाहिए। तो दोस्तों, यदि डॉक्यूमेंट की बात करें तो आपके पास अपने पर्सनल डॉक्यूमेंट होने चाहिए, क्योंकि दोस्तों कंपनी आपके पर्सनल डॉक्यूमेंट चेक करेगी और आपको अपने आउटलेट्स का GST नंबर भी बनवाना या फिर रजिस्ट्रेशन नंबर भी बनवाना पड़ेगा। दोस्तों, पर्सनल डॉक्यूमेंट की बात करें तो आपके पास अपने ID प्रूफ के तौर पर आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड या वोटर कार्ड होना चाहिए, आपके पास अपना एड्रेस प्रूफ होना चाहिए, आपके पास अपना बैंक अकाउंट और बैंक अकाउंट की डिटेल होनी चाहिए, और आपके पास अपने फोटोग्राफ्स, ईमेल ID और मोबाइल नंबर होना चाहिए। आप अपने आउटलेट्स का रजिस्ट्रेशन नंबर बनवा सकते हैं या फिर लाइसेंस ले सकते हैं और एक अच्छा सा बिजनेस एस्टैब्लिश कर सकते हैं। अब बात करेंगे दोस्तों, दी आप अंडे वाला कंपनी की फ्रेंचाइजी लेना चाहते हैं तो इसके लिए आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको बता दें, दी आप अंडे वाला कंपनी की फ्रेंचाइजी लेना चाहते हैं और इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं तो दोस्तों आप कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट से इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, वहाँ कंपनी ने फ्रेंचाइजी के लिए ऑप्शन दिया है, आप उसके ऊपर क्लिक करके
एक फॉर्म अप्लाई करना पड़ेगा आपको, वहाँ से आप आराम से ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों यदि आप इसके बारे में प्रॉपर इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं या फिर आपकी कोई क्यूरी है तो दोस्तों आप कंपनी के टोल फ्री नंबर से कंपनी से कॉन्टैक्ट करें और फिर उसके बाद अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों यदि आपके लोकेशन पर पहले ही कंपनी का आउटलेट्स है तो कंपनी आपको फ्रेंचाइजी नहीं देगी। इसलिए दोस्तों पहले आप कंपनी से कॉन्टैक्ट करके इसके बारे में प्रॉपर इन्फॉर्मेशन लें, उसके बाद ही आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करें दोस्तों की आप अंडे वाला कंपनी की फ्रेंचाइजी लेना चाहते हैं तो इसके अंदर रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट कितने दिन में है या फिर आप प्रति महीने के हिसाब से इसके अंदर कितनी कमाई कर सकते हैं, तो दोस्तों आपको बता दें यदि इसके अंदर रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट यानी ROI की बात करें तो इसके अंदर लगभग 5 से 6 महीने के अंदर रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट पूरी हो जाएगी। लेकिन यदि प्रति महीने कमाई की बात करें तो वो आपकी सेल के ऊपर डिपेंड करेगी कि आपके कैफ़े के अंदर प्रतिदिन के हिसाब से कितने कस्टमर विजिट कर रहे हैं। दोस्तों यदि आप एग्जांपल के थ्रू जानना चाहते हैं कि आपको प्रति महीना इसके अंदर कितनी कमाई हो सकती है तो दोस्तों आप हमारी वेबसाइट को विजिट करें। दोस्तों मैंने वेबसाइट के ऊपर आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताया है कि आपको प्रति महीने के हिसाब से कितनी कमाई हो सकती है, कितना खर्चा किस चीज़ के ऊपर करना पड़ेगा या फिर आप थोड़े से पैसे में अपना बिजनेस कैसे एस्टैब्लिश कर पाएंगे। प्रॉपर इन्फॉर्मेशन दोस्तों आपको वहाँ से मिल जाएगी और वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, वहाँ से आप वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। तो दोस्तों ऐसे आप अंडे वाला कंपनी की फ्रेंचाइजी लेकर अपना बिजनेस एस्टैब्लिश कर सकते हैं और अच्छी खासी कमाई इस बिजनेस के अंदर कर सकते हैं। दोस्तों यदि आप इस बिजनेस के बारे में और ज़्यादा विस्तार से पढ़ना चाहते हैं या फिर आपको वीडियो के अंदर कुछ समझ नहीं आया तो दोस्तों आप हमारी वेबसाइट को विजिट करके इसके बारे में प्रॉपर इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। और दोस्तों यदि आपका इसके बारे में कोई भी सवाल या सुझाव है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और किसी बिजनेस फ्रेंचाइजी या फिर योजना संबंधी जानकारी लेना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।